हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था, दिखाया भी था। अब इस क्वेश्चन में ये जो टेबल आपको दिखाई पड़ रही है, जिसका कि नाम है स्टूडेंट, इसमें चार क्वेरीज हैं, लेकिन फिलहाल तो हमें ये टेबल ही बनानी है। फिर देखिए, टेबल में एडमिशन नंबर दिया गया जिसमें केवल और केवल नंबर एंटर किए गए हैं। रोल नंबर में भी नंबर दिया गया है जिसमें केवल और केवल नंबर ही एंटर करे गए हैं। यहाँ पर ये टेक्स्ट है, यानी यहाँ पर वेर कैर डेटा टाइप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर भी नंबर रहेगा और यहाँ पर भी नंबर रहेगा, यानी ये जो है हमें बनाना है विद द हेल्प ऑफ माई एसक्यूएल। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले माई एसक्यूएल वर्क बेंच मैं ऑन करता हूँ। यहाँ पर ये माई एसक्यूएल का वर्क बेंच है और इसे मैं कर लेता हूँ ओपन। और जैसे ये ओपन होगा तो यहाँ पर क्लिक करके और इसमें हम लॉग इन हो जाएंगे। और अब हमें एक डेटाबेस चूज करना है जिसमें कि हम ये टेबल बना सके। तो यहाँ पे सो डाटाबेसेस कमांड हम चलाएंगे और जैसे ही चलाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे डेटाबेसेस नजर आ रहे हैं। मैं किसी एक डेटाबेस को चूज कर लेता हूँ, लाइक यहाँ पर माई इंस्टीट्यूट नाम का जो डेटाबेस है इसी को मैं चूज कर लेता हूँ, इसी को इस्तेमाल करूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ से बाकी के सारे जो डेटाबेसेस हैं उनको हटा दूंगा और यहाँ पे केवल माई इंस्टीट्यूट नाम का जो डेटाबेस है उसी को यूज करूंगा। और यहाँ पर बनाएंगे टेबल, तो पहले तो इसको यूज करने के लिए यहाँ पर इसे सेलेक्ट करके और यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये यूज हो जाएगा। यानी अब हम आ चुके हैं इस डेटाबेस के अंदर। अब हम यहाँ पे क्रिएट टेबल लिखेंगे और टेबल के अंदर हमें टेबल किस नाम से बनाना है तो एक बार चेक कर लेते हैं कि टेबल हमें किस नाम से बनाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टूडेंट नाम से टेबल बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट दिया गया है तो स्टूडेंट नाम से टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट, STUDENT, तो ये हो गया स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट जैसे ही हम लिखेंगे तो लिखने के बाद यहां पर करना है ब्रैकेट को ओपन, यानी इस तरीके से ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। और ब्रैकेट ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर फील्ड्स के नेम डालने होंगे, ठीक है। किस किस तरीके से फील्ड्स के नेम पड़ेंगे, क्या क्या चीजें होंगी, ये सारी चीजें बताता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो देख लेते हैं कि क्या क्या फील्ड नेम है इसमें। तो पहला है एडीएम नंबर, यानी एडमिशन नंबर की बात आती है। तो यहां पर हम एडीएम नंबर नाम का एक फील्ड बनाएंगे, तो चलिए ये बनाते हैं। यहां पर लिखता हूं मैं एडीएम और अंडरस्कोर लगा देता हूं, यहाँ पे नंबर हो गया। और इसका डेटा टाइप हम क्या रख लेते हैं, इंट रख लेते हैं, यानी इंटीजर, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसे प्राइमरी की बनाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे प्राइमरी की और आगे लिख देते हैं नॉट नल, यानी इसे खाली नहीं छोड़ सकते। तो एडमिशन नंबर हमारा प्राइमरी की है, रिपीट नहीं होगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं क्या है, तो आगे हमारा रोल नंबर, तो रोल नंबर यहाँ पर मैं दे देता हूँ। और यहाँ पर प्राइमरी की तो एक ही होती है एक टेबल में, तो यहाँ पे अगला जो फील्ड है उसे हमने दे दिया रोल नंबर। और इसका भी डेटा टाइप हम क्या कर देते हैं, इंट कर देते हैं। हालांकि इसे कंपोजिट की बनाया जा सकता है, आगे की वीडियोस में बताऊंगा कैसे हम कंपोजिट की बनाएंगे। अगला क्या है, अगला है हमारा नेम, फिर क्लास, देन मार्क्स, ठीक है। तो पहला है नेम और इसका डेटा टाइप मैं क्या रखता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट रख लेता हूँ, TEXT, टेक्स्ट, ठीक है। कॉमा लगाते हैं और फिर डेटा टाइप देने के बाद हमें यहाँ पे क्या देना है, यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर हम कैर दे देते हैं, CHAR कैर दे दिया। तो कैर भी दे सकते हैं आप, वेर कैर भी दे सकते हैं, 50 साइज यहाँ पे दे देता हूँ। और इसके बाद जो है अगला हमें यहाँ पे फील्ड क्या डालना है, तो यहाँ पर अगला फील्ड है यहाँ पर मार्क्स, तो MARKS मार्क्स हो गया। एक फील्ड और है इसमें जिसको मैंने छोड़ दिया है, अब उसको हम लोग बाद में ऐड करेंगे ताकि आपको ये भी पता चलता रहे कि अगर बाद में कोई कॉलम ऐड कराना है एक्स्ट्रा तो आप कैसे ऐड करेंगे, क्या क्वेरी लिखेंगे कि वो कॉलम ऐड हो जाएगा। तो यहां पर देखिए ये जो है ना, ये एक कॉलम मैंने छोड़ दिया है क्लास वाला, देख सकते हैं यहाँ पे क्लास लिखा हुआ, ये कॉलम मैंने छोड़ दिया, इसको हम लोग बाद में ऐड कराते हैं, ठीक है। तो जब पूरा टेबल बन जाएगा, सारे रिकॉर्ड इंसर्ट करा लेंगे, तब हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। और मार्क्स के अंदर जो डेटा टाइप है वो हमें इंटीजर एंटर करना है, तो ये एंट कर दिया। और यहाँ पे टर्मिनेशन, तो ये सॉरी यहाँ पे जो है यहाँ पर हमें टर्मिनेट ही करना है, तो यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया। और टर्मिनेट करके अब हम इसको चलाएंगे, तो इन सबको सेलेक्ट करके यहाँ से रन पे क्लिक करेंगे, तो देखिए हमारी टेबल बन गई। अब बनी है तो फील्ड्स हमने क्या क्या रखे हैं आप देख ही रहे हैं ऊपर, लेकिन हम एक कमांड के थ्रू इसको देखेंगे। तो यहाँ पर DESC कमांड चलाएंगे और यहाँ पर देंगे टेबल का नाम, तो ये टेबल का नाम है हमारे, तो ये टेबल का नाम दे देते हैं। और यहाँ पर क्या करना है, टर्मिनेशन देना है, तो ये टर्मिनेशन दे दिया। और अब इसको चलाएंगे तो देखेंगे कि इसमें कौन कौन से डेटा टाइप किस किस तरीके से आए हुए हैं, सारी चीजें दिख रही हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसमें हम वैल्यूज इंसर्ट कराएंगे, तो यहाँ पे इंसर्ट कमांड चलाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट इनटू, और टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के अंदर ही तो हमें इंसर्ट कराना है। और एक एक फील्ड का नाम अब हमें देना है, जैसे एडीएम, एडीएम नंबर है ना, तो यहाँ पे एडीएम और अंडरस्कोर लगा के NO नंबर कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एडीएम नंबर।
देन कॉमा लगाएंगे। दूसरा क्या है, दूसरा है रोल नंबर और तीसरा है मार्क्स, ठीक है, और नेम और मार्क्स है। तो यहाँ पे रोल और फिर यहाँ पे अंडरस्कोर लगा के नंबर, देन क्या है यहाँ पे है नेम, तो यहाँ पे नेम कर देते हैं, तो रोल नंबर हो गया, देन कॉमा लगा के फिर नेम कर दिया, फिर कॉमा लगाया, फिर यहाँ पर मार्क्स MARKS मार्क्स हो गया, और मार्क्स देने के बाद इसको बंद करके एंटर कर दीजिएगा। एंटर करके नीचे आएंगे, जैसे ही नीचे आते हैं तो अब हमें आगे क्या देना है, आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे वैल्यूज देंगे, इसमें वैल्यूज, तो यहाँ ADM नंबर, तो जो भी आप ADM नंबर देना चाहें वो दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें देखना है कि यहाँ पर जो हमें दिया गया है, तो यहाँ पर 2715 है, तो हम यही ADM नंबर देंगे। तो यहाँ पे देते हैं 2715, क्योंकि ये नंबर है तो इसमें सिंगल डिजिट कॉमा या डबल डिजिट कॉमा रखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर यहाँ रोल नंबर की बात है तो रोल नंबर 1 ही रहेगा। नेम की बात है तो नेम जो है हमारा वेयर कैर डेटा टाइप, सॉरी कैर डेटा टाइप है, यहाँ पे कैर रखा है हमने नेम को, तो नेम में जो है हम क्या देंगे, यहाँ पर देख सकते हैं नेम में दिया गया राम, तो हमें यहाँ पर राम देना और राम को सिंगल डिजिट कॉमा के अंतर्गत लिखना है इस तरीके से, ठीक है। मार्क्स यहाँ पर बात करेंगे तो मार्क्स क्या है यहाँ पर, तो वो देख लेते हैं, तो मार्क्स है 90, तो यहाँ पे 90 दे देंगे और ब्रैकेट को क्लोज करके यहाँ टर्मिनेशन दे देंगे, तो बस काम हो गया, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करके और यहाँ से रन करेंगे तो ये रन हो जाएगा और आपका जो टेबल है उसमें वैल्यूज इंसर्ट हो जाएंगे। अब इंसर्ट हुई या नहीं ये देखने के लिए हम सेलेक्ट कमांड का यूज करेंगे और यहाँ पर टेबल के अंदर जाएंगे, स्टूडेंट ये हो गया, और यहाँ पर इसे चलाएंगे तो यहाँ देखिए SELECT है, ठीक है, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है वैल्यूज इंसर्ट हो चुकी है। लेकिन अब हर बार लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, हर बार आपको खाली वैल्यूज चेंज करना है, बाकी का काम होता चलेगा अपने आप। जैसे 2816 है, 2 है, श्याम है, तो यहाँ पर 2816 कर देते हैं, 2715 था, 2816 कर देंगे और यहाँ पर 2816 ये लीजिए, ये हो गया 2816, और यहाँ पर श्याम कर देंगे तो SHYAM करेंगे, SHYAM, तो ये हो गया श्याम। और बाकी यहाँ पर जो मार्क्स है और रोल नंबर है उसको भी चेंज करना होगा, तो यहाँ रोल नंबर 2 है और मार्क्स यहाँ पर क्या मिले हैं वो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, तो 3 वैल्यू भी इंसर्ट हो चुकी है। तो देखिए यहाँ पे 2 वैल्यूज आ चुकी हैं। अब तीसरी वैल्यू की बात करते हैं तो ये 2816 है, ठीक है, यहाँ पर भी अपडेट हो गया, यानी टेबल जब हम देखेंगे तो इसमें चारों वैल्यूज आप देख सकते हैं क्रम से आ चुकी हैं, जिसका जितना फील होना चाहिए वो हो चुका है। लेकिन अभी समस्या हमारे साथ ये है कि हमने एक फील्ड छोड़ दिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अल्टर कमांड चलाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे अल्टर टेबल और फिर टेबल का नाम देंगे, जो भी हमारे टेबल का नाम है, जैसे स्टूडेंट नाम से टेबल है तो ये टेबल का नाम हमने दे दिया, और टेबल का नाम देने के बाद क्या करना है, एंटर करना है, और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें अब ऐड कमांड चलाना है, तो ये ऐड लिखेंगे और क्या ऐड करना है हमें, तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये देखिए ये हमें ऐड करना है, यानी क्लास ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड क्लास कर देते हैं और इसका डेटा टाइप इंट रखेंगे और यहाँ से टर्मिनेशन दे देंगे, ठीक है, तो ये हमारा ऐड हो जाएगा और इतने को सेलेक्ट करके और फिर यहाँ से चलाना है, तो यहाँ पर ये ऐड हो गया है। अब इसके अंदर जो है हमें कैसे पता चलेगा कि ऐड हुआ है या नहीं, तो यहाँ पर DESC जब चलाएंगे तो आपको दिखेगा भी, तो यहाँ पर देखिए क्लास भी ऐड हो चुका है। अब क्लास वाले में आपको चीजें फिल करनी है तो यहाँ पर हमें यूज करना होगा अपडेट कमांड, ठीक है, अपडेट, और कौन से टेबल को अपडेट करना है, तो स्टूडेंट वाले टेबल को अपडेट करना है, ठीक है, और फिर यहाँ पे सेट करेंगे, तो सेट चलाएंगे यहाँ पे, तो सेट क्या करना है हमें, तो हमें सेट करना है यहाँ पे क्लास, तो यहाँ पे क्लास, ठीक है, कर दिया, और इज इक्वल टू क्लास इज इक्वल टू क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे चेक करेंगे क्या दिया गया है, तो क्लास है हमारा 12th, पहले में क्या है 12th है, ठीक है, तो 12 कर दिया और यहाँ पर 12 करके और देन एंटर करके नीचे आएंगे और यहाँ पे वेयर करेंगे WHERE वेयर, और यहाँ पर जो हमारा एडमिशन नंबर है उसके थ्रू हम जाएंगे, तो वहाँ पर ADM और अंडरस्कोर नंबर करेंगे इज इक्वल टू, अब जो भी नंबर दिया गया हो वो नंबर हमें लेना है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम यहाँ से जा करके, एक मिनट, ये इसको सेलेक्ट किया इस तरीके से, और यहाँ पर जो है 2404 करेंगे, तो यहाँ पर आकर के और 2404 कर देते हैं, तो ये 2404 किया और यहाँ पर टर्मिनेशन दे दिया। अब इसको चलाने की बारी है, तो यहाँ से इसको चलाएंगे, इन सबको सेलेक्ट करके एक ही बार में, और यहाँ से रन करवा देंगे, तो रन कराएंगे तो ये अपडेट हो गया है। अब चेक करना होगा अपडेट हुआ है या नहीं, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे टेबल को और यहाँ से जब चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर 12th अपडेट हो गया है। इसी तरीके से सब में अपडेट करा लेंगे, ठीक है।
देखिए कैसे अपडेट कराना है, यहाँ पे सेट क्लास 12 दिया गया है ना, तो यहाँ पर अब 11 सेट करना है, और इस बार एडमिशन नंबर जो है क्या है वो देखना होगा। तो यहाँ पर 27 0 कितना है, 27 04 में हमने अपडेट किया है, एक बार चेक करते हैं किसमें अपडेट करना था, 27 15 में अपडेट करना था, ठीक है। तो 27 15 में जो है यहाँ पे 12th अपडेट करना था, लेकिन यहाँ पे 27 04 में हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर इसे हटा करके 27 015 कर देंगे, यहाँ पे 27 015 कर देंगे, तो ये दोबारा अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे चलाएंगे और चला करके और यहाँ से, तो देखिए ये दोबारा अपडेट हो गया। अब जब दोबारा अपडेट होगा तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करके देन रन कराएंगे, तो देखिए अब 27 04 में ये दिखा रहा है क्लास 12th अपडेट है, ठीक है। और अब 27 04 के बाद ध्यान दीजिएगा, 27 04, तो 27 04 में तो हमें 92 अपडेट करना था, फिर गलत हो गया, तो फिर क्या कर सकते हैं, तो फिर वही काम कर सकते हैं कि यहाँ पे 27 15 में हमें 90 अपडेट करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे बस थोड़े से चेंजेस करेंगे, 27 15 में 90 अपडेट कर देंगे, तो 27 15 करेंगे, तो ये हो गया 27 15, और यहाँ पर 90 अपडेट करना है, तो यहाँ पर जो है 90 लिखना होगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कितना है, तो 90 है, तो बिल्कुल सही है। तो अभी क्या करना है, यहाँ से इसको सेलेक्ट करके और रन करा देना है, तो ये रन करा दिया, और रन कराने तो ये हमारा 27 15 है, क्लास 12th ही देना है इसमें, तो क्लास 12th ही दे देते हैं, ठीक है। तो अभी 27 15 में जा करके क्लास 12th दे देंगे, तो यहाँ पर इसको हटा करके 27 15 कर देंगे, और यहाँ पर कर देंगे क्लास 12th। पर इसमें अपडेट करना है तो क्लास अपडेट करना है, तो देखना है कि कौन सा क्लास अपडेट करना है, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 29 17 है, यहाँ पर देखिए इसमें क्लास 12 अपडेट करना है, तो बस हम क्लास 12 अपडेट कर देते हैं, तो केवल क्लास अपडेट करना है आपको, और यहाँ पे 29 17 है शायद, देख लेते हैं एक बार फिर से, तो ये 29 17 है, तो यहाँ पे कर देते हैं 29 17, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज करता हूँ, ये हो गया 29 17, ठीक है। और अब इसको सेलेक्ट करके और फिर देन यहाँ पर अपडेट कमांड चला देंगे, तो ये काम हो जाएगा। और काम होने के बाद क्या करना है, यहाँ से सेलेक्ट कमांड को यूज करना है और चला देना है, तो चलाएंगे तो सब में सब कुछ अपडेट हो चुका है, देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपडेट कमांड चलाना हो, सेलेक्ट चलाना हो, कुछ भी चला सकते हैं, और कोई भी टेबल बनानी हो तो आराम से सारे कमांड लगा करके दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप को पूरी बात समझ में आ गई होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, और ये खास तौर पे क्लास 12th वालों के लिए थी, क्लास 12th वालों को क्वेरी लिखने में बड़ा दिक्कत होता है, तो ये क्वेरी इस वीडियो के माध्यम से आसानी से देख के लिख सकते हैं आप कि किस तरीके से क्वेरी आपको लिखनी है, ठीक है ना।